नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। जैसे कि दर्शकों, कुछ दिन पहले ही हमने बोड़ी तालाब तिलोक के कचरे के दृश्य बताए थे, कचरे के ढेर बताए थे, ऐसा ही आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सुभाष नगर से लेकर के पटोली पलोड़ा तक कचरे के ढेर पड़े हुए हैं और लोग कितने परेशान हैं। जैसा कि इसी पर एक सवाल निशान पैदा होता है कि किस तरह से जेएमसी प्रशासन अपने काम के प्रति सतर्क है। देखिए चैनल वन की ये खास रिपोर्ट। जम्मू नगर निगम के बड़े बड़े वादे तो हैं क्लीन जम्मू के नाम को लेकर के, ऐसे ही क्लीन जम्मू के दृश्य हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्लीन जम्मू का दावा करने वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोल खुल रही है। नगर निगम के चुनाव को तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, लेकिन नगर निगम अपने कार से हटकर जम्मू के लोगों की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही है। बहुत दिनों से कचरा पड़ा हुआ है, उठाते ही नहीं, कोई आते ही नहीं है, काफी दिन हो गया। यहाँ से मैं रोज गुजरती, कोई नहीं आता है यहाँ पे। तो क्या कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी? नहीं, कभी नहीं आए। कॉर्पोरेटर कौन है? नीचे रहते हैं वो, लेकिन आते नहीं है कभी भी। वार्ड नंबर कितना है? 26। क्या कभी कॉर्पोरेटर आए देखने के लिए? हाँ, आए थे, देख के गए, पर कभी उठाए नहीं, कभी भी ऐसे ही पड़ा है। जगह जगह में है, नीचे जाओगे और आपको मिलेगा। जी, कचरा तो बड़ी देर थे, कम से कम 4-5-6 महीने हो गए कचरा पेदे। तो लोग रोज आते लै जाते, लेकिन यह कि सू स्मैल नहीं होती, सू बड़ी मुश्किल हो गई इतने बहन की। वार्ड नंबर 26 के अस बंदे हाँ, वार्ड नंबर 26 दुकानदार हैं, सू इन मुश्किल हो गई क्योंकि सारे हर एक जगह का कचरा इतने आगे सुटते हैं। नहीं जी, मनकोटिया कोई नहीं आया। वैसे तो आम जनता का भी काम है कि इसको सही जगह पर डाले, पर उसकी जो व्यवस्था है वो तो प्रशासन को करनी चाहिए। कर्मचारी का ऐसा है कि जिस दिन कोई मीटिंग्स हो या कुछ किसी ने आना हो उस दिन हमें दिखाई देते हैं, प्रॉपर वो भी नहीं दिखाई देते। तो सही मायने में हम बताएं तो कॉर्पोरेटर तभी आते हैं जब कभी बोर्ड की बात होती है या कोई कुछ उनको कोई सेंक्शन करवाना होता है, तो हमारी जरूरत पड़े तभी आते हैं। सुभाष नगर के स्थानीय निवासी ने बताया कि गंदगी के चलते बच्चों को पिछले साल डेंगू का शिकार होना पड़ा। वहीं सुभाष नगर के वार्ड नंबर 26 के बीजेपी के कॉर्पोरेटर मनकोटिया को भी इस गंदगी के बारे में बताया गया, लेकिन उनके कानों में चूं तक नहीं रेंगी। सर, कचरा उठाने की क्या बात है, यहाँ पे अनलोड वो खुद करते हैं, यहाँ पे ठेले आगे फेंकते हैं, ऑटो अनलोड करते हैं, तो बुरी हालत है। जबकि मेरे दोनों बच्चे, लास्ट ईयर भी दोनों बच्चे मेरे जो हैं डेंगू के हो गए थे, डेंगू हो गया था उनको, वो हॉस्पिटल में रहे महीना है भर, और मेरी मदर को भी डेंगू हो गया था पिछली बार। तो तीनों आपने कोई कार्रवाई की इनके? उसके लिए मैंने पीछे भी 7-8 महीने पहले मैंने इनको एप्लीकेशन एक कमिश्नर को ऑफिस में दी थी, अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद गवर्नर के एंड पे भी दी थी मैंने, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे को। और ये देखिए, अब हालात देखिए, यहाँ पर आगे बरसात आएगी, वहाँ पर उस टाइम क्या हाल होगा कुछ नहीं जानते। और यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन है? यहाँ पे मनकोटिया जी हैं यहाँ के कॉर्पोरेटर। आपने कभी उनसे बात की, उनके कानों तक रखी बात? हाँ सर, मैंने बहुत किया था जब वो बने थे, उस टाइम भी आए थे, मैंने बोला था उनको भाई कि ये देखिए, उन्होंने बोला जब हमारे पास ऑटो आएंगे तब हम यहाँ पे नहीं फेंकने देंगे, हम डायरेक्ट ऑटो उठा के ले जाएंगे। कॉर्पोरेटर बनने के बाद कभी उन्होंने दौरा किया? नहीं, मैंने उनको कॉल किया था जबकि ऑटो यहाँ पे अनलोड करने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा जी यहाँ पे ऑटो फेंक रहे हैं तो ठेले फेंक रहे हैं, वो कहते हैं जी कहाँ पे फेंकें, हम यहीं पे फेंकेंगे, उन्होंने डायरेक्ट ये बोल दिया, मेरे गेट के बिल्कुल सामने आए ये। ऑलमोस्ट किसी जगह पे आप देखिए तो हो भी रहा है, ठीक है, और कहीं कहीं पर नहीं भी हो रहा है। ये डिपेंड्स खाली सरकार का नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी भी नहीं है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ये पूरी सरकार की जिम्मेवारी भी नहीं, ये सिविलियंस का भी एक काम बनता है, एक किस्म का आप बोलिए कि सिविलियंस का भी इसमें योगदान होना चाहिए कि वो अपनी गलियों को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने काम के प्रति सतर्क है। दर्शकों, अगर आपके भी वार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन के नीचे व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अपनी तमाम सारी समस्या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम आ करके वहाँ पर आपकी समस्याओं को सुने और आपकी आवाज़ को नगर निगम तक पहुँचाए। मैं सुशांत मिश्रा, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। For advertisements in Channel 1, please contact on 700-6444-869.